हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने वीवो वाई 35 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है करंट वॉलपेपर सेटिंग को अपना इनेबल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और ये करंट वॉलपेपर सेटिंग जो है ना इनेबल होने के बाद काम कैसे करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है। ठीक है, सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में। सेटिंग पेज में आपको जो है ना नीचे की साइड आना है। आपको यहाँ पर ये ऑप्शन मिलेगा लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर, इसे आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसके अगले पेज में आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा लॉक स्क्रीन सेटिंग का, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे की साइड आना, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा लॉक स्क्रीन पोस्टर का, इसे आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसके अगले पेज में आपको नीचे आना है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा करंट वॉलपेपर। करंट वॉलपेपर के ऑप्शन पर आप टैप करेंगे, अगर ये ऑप्शन आपका ओपन नहीं होगा ना तो आपको करना क्या है, इसी पेज में आपको सबसे ऊपर ये ऑप्शन मिलेगा लॉक स्क्रीन पोस्टर वॉलपेपर, इस ऑप्शन के ठीक सामने वाले बटन को आपको टैप करना है तो ये बटन आपका ऑन हो जाएगा ना। अब आपको नीचे की साइड आके इसे करंट वॉलपेपर सेटिंग को आपको सेलेक्ट करना है तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये ओपन हो गया। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे नीचे आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड लोकल वॉलपेपर, इसे आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर आपके मोबाइल फोन की गैलरी ओपन हो जाएगी। ठीक है, आप अपने मोबाइल फोन की गैलरी में से आप अपनी फोटोज़ को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, मैं ये वाली फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसके बाद ये वाली फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने दो फोटो यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये नीचे की साइड आ जाएगी और आपको सबसे ऊपर ये राइट क्लिक का ऑप्शन है, राइट क्लिक पर आपको टैप करना है। ठीक है, तो आपका जो है ना एडिट सक्सेसफुली हो जाएगा ये इस तरीके से। ठीक है, अभी करंट वॉलपेपर सेटिंग जो है ना काम कैसे करेगी ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, आपके मोबाइल फोन की लॉक स्क्रीन पर, लॉक स्क्रीन पर आना है, आपके मोबाइल फोन पर लॉक स्क्रीन पर आना और इस तरीके से स्लाइड करना है राइट में। ठीक है, इस तरीके से स्लाइड करना है तो आपके जो लॉक स्क्रीन के पोस्टर होते हैं ना, इनके साथ आपकी जो फोटोज है, आपकी जो पिक्चर्स हैं, वो भी आपकी ऐड हो जाती है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सेटिंग ना काम करती है करंट वॉलपेपर सेटिंग। ठीक है, आपके फोन में। ठीक है, आप इस सेटिंग को इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको ना ये भी बता देता हूँ कि कैसे आप ये करंट वॉलपेपर सेटिंग को आप अपने फोन में शॉर्टकट तरीके से कैसे ढूंढ सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, मोबाइल फोन का आपको सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये सर्च आइकन आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है करंट वॉलपेपर। ठीक है, जो सेटिंग का नेम है आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए तो आपको जो है ना नीचे की साइड ये ऑप्शन शो हो जाएगा करंट वॉलपेपर का, ये इस तरीके से ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इससे होता है कि आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग पेज में लेकर आ जाता है और नीचे की साइड आपको ये ऑप्शन मिल जाता है, ये वाला करंट वॉलपेपर। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ना ये इसे ऑप्शन को जो आपने फोटोज ऐड करी है इन फोटोज को आपने डिलीट भी कर सकते हैं। जो फोटोज आपने सेलेक्ट करी ना, इस करंट वॉलपेपर के पेज में आना है और सबसे नीचे इसको ना स्क्रॉल करना है ऐसे, तो सबसे नीचे आपको फोटो मिलेंगी जो आपने ऐड करी है। इन फोटोज को आप सेलेक्ट करके इस तरीके से रिमूव का बटन दबाइए और इसे ओके करिए तो आपकी फोटोज जो है ना वो डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, आपके लॉक स्क्रीन पोस्टर से। ठीक है, तो ये सेटिंग जो है ना कंप्लीटली इस तरीके से काम करती है।